जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। प्यारे बच्चों, नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन दोनों के ही एडमिट कार्ड्स यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। प्यारे बच्चों, आप भी अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के साथ साथ आप इस एडमिट कार्ड के कम से कम 3 प्रिंटआउट निकाल करके रख लीजिए। 2 प्रिंटआउट आप अपने पास में रखिएगा और 1 प्रिंटआउट अपने उस साथी को दे दीजिएगा जिसका सेंटर वही है जो आपका सेंटर है, ताकि एग्जाम वाले दिन अगर गलती से भी एडमिट कार्ड भूल जाओ तो आपके दोस्त के पास आपका एडमिट कार्ड मिल जाए। तो मैं बता देता हूं आपको कि आपको किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पर जब जाएंगे, upsc.gov.in पर जब जाएंगे बच्चा, तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जिसमें एडमिट कार्ड्स है। एडमिट कार्ड्स पर आप जब क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फिर यहां पर ई एडमिट कार्ड्स में ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस ऑफ यूपीएससी मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर 2 अलग अलग एडमिट कार्ड्स एक्टिव है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए सीडीएस एडमिट कार्ड है और नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए सेकेंड वाली रो में है। अगर आप एनडीए का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस तरह का विंडो आपको पूरा खुल करके दिख जाएगा। ध्यान रखिएगा, 12 तारीख यानी कि आज से एडमिट कार्ड यहां पर उपलब्ध हैं और ये सिर्फ 21 तारीख तक ही अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा भैया कि आपको ऐसा नहीं करना कि एग्जाम वाले दिन ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। पिछली बार हुआ है ऐसा, कई सारे बच्चे ऐसे होते लास्ट टाइम तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करते और फिर उसी एग्जामिनेशन वाले दिन प्रिंट आउट के लिए भटकते रहते हैं। मैंने जो आपको गाइड किया वैसा आपको समझना है। तो जब एनडीए के एडमिट कार्ड के लिए आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर पर, तो यहां पर बच्चों आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरह से पढ़ लीजिएगा। जब इन इंस्ट्रक्शंस को आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो लास्ट में यहां पर यस का ऑप्शन आएगा कि क्या आपने इन इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ लिया है। आप बोलेंगे यस। यस बोलने के बाद में फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पहली बार जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म के थ्रू आपको यूटीआर मिला था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी जो था, उस रजिस्ट्रेशन आईडी को एंटर कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर डेट मंथ और ईयर में मेंशन कीजिए, साथ में कैप्चा फिल कीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड खुलता है पहले तो उसका पीडीएफ सेव कर लीजिए। साथ ही साथ मैंने जैसा आपको कहा कि उस पीडीएफ को तुरंत जाकर के 3-3 कॉपी में अपने एडमिट कार्ड निकला के रख लीजिए। यही आपके आगे आपके रिकमेंडेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपके काम आने वाला है। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, इत्मीनान के साथ रिविजन कीजिए। डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो। टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, आराम से रिविजन कीजिए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।